आपने गुलजार साहब के साथ काम किया है, विशाल जी के साथ काम किया है और अब आसमान के साथ काम किया है। मैंने गुलजार साहब की बेटी के साथ काम किया उसकी फर्स्ट फिल्म में, अब मैं विशाल सर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ उसकी फर्स्ट फिल्म में। मेरी पहली फिल्म अर्जुन के फादर की थी। मैंने अपने करियर के पहले प्रोड्यूसर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ उस फिल्म में, तो देयर टू मेनी फादर एंड चिल्ड्रन। तो आई जस्ट वांट टू से दैट आई रियलाइज नाउ दैट इट्स अ वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट समबडी एंट्रस्ट्स यू विथ। अपने बच्चों की फिल्म में आपको जब काम करने के लिए बोला जाता है, तो आई थिंक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी खुशनसीबी है मेरी। गुलजार साहब हैज़ ट्रस्टेड मी विद हिज डॉटर्स फर्स्ट फिल्म, विशाल हैज़ ट्रस्टेड मी विद हिज सन्स फर्स्ट फिल्म, सो आई थिंक इससे बड़ा एंडोर्समेंट और इससे बड़ी अचीवमेंट so I'm very lucky to have worked in an era with him. I'm lucky that I came into the movies and I happen to be part of this whole legacy of working with you, Gulzar sir, working with you, and that has enriched my journey. I don't know what to say, I have no words, and I hope I work with Asman's children also. Thank you for giving me this opportunity and trusting me with your children, because I know what it must mean to see your children starting off in their careers and making a career of their own. तो मुझे गुलजार साहब बोलते भी थे फिलहाल के वक्त, तुम बड़ी हो संभाल लेना। गुलजार साहब से पहली मुलाकात कैसी रही, याद है जब सबसे पहली बार मिली होंगी? हाँ याद है ना, बोस्कियाना में मैं गई थी एंड शबाना आंटी हैड टोल्ड मी गुलजार साहब वांट्स टू मीट यू, सो लाइक आर यू श्योर? उनसे हाँ, तो मैं गई और बस बैठी थी, गुलजार साहब को ज़ुकाम था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, गुलजार साहब भी कुछ ज़्यादा बोले नहीं, और मुझे स्क्रिप्ट दी माचिस की, और उस ज़माने में स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं थी हमें, तो मैं इतना डर गई, मुझे लगा कि मुझे सारी ना याद करके जानी है अगली बार। ओह माय गॉड, तो मैं जाके पढ़ने की कोशिश की और फिर मैं गई और फिर बैठ गई दो दिन के बाद, और फिर मैंने कुछ नहीं बोला और फिर गुलजार साहब ने कुछ नहीं बोला, तो वो बस ऐसे ही था, लेकिन वेरी फ्यू सेंटेंसेस ही वुड से एंड आई वुड ट्राई टू अब्सॉर्ब दैट। आई वॉज सो मच यंगर, but I was just completely, you know, mesmerized and just overwhelmed by the idea that I'm going to be working with him. I don't know how I did, and I don't know what I did, but I did something. You got the national award. Yeah, I got the national award. The award for it. That's what you think. गुलजार साहब, आपका क्या पहला इम्प्रेशन था तब्बू जी का जब आप मिले, या उससे पहले कोई फिल्म देखी होगी आपने शायद उनकी? जी मैंने शबाना से जिक्र किया था, तो शबाना ने कहा, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, मैं जाके देख सकता हूँ, उन्हें से बात करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ। कहेंगे जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये शबाना की आवाज़ उसी तरह से आती है, वो इसी तरह से बोलती, आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, वो आ जाएगी, मैं भेज रहा हूँ उसको। तो डांट खाने की वैसे भी हमें बहुत आदत है, तो खामोश रहे और ये आई। तो डील डॉल से पंजाबी लड़की चाहिए थी मुझे, और इतनी ऊँची मैं गई तो पिंड दी कुड़ी लगती। तो मैं कहा ठीक है, मैं कि चाहता था थोड़ी देर बात करेंगे तो लहजा मालूम होगा, तो
ये सही फरमा रही हैं कि मैंने स्क्रिप्ट दी इन्हें. मैंने कहा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ेंगी आप तो एक अंदाज़ा हो जाएगा क्या करना है. वो पहली मुलाकात में आप कहा, मैंने जब ये स्क्रिप्ट लेकर आई वापस दूसरी बार आके बैठी तो मैं कहा कुछ पढ़ा भी तुमने? तो वो लहजा अपने आप इंटीमेट हो गया, वो आप से पहली मुलाकात जो हुई उसके बाद तुम हो गया. एंड आई न्यू दिस गर्ल कैन डू इट, दिस गर्ल विल बी एबल टू डू इट, एंड दैट वाज इनफ. मुझे और कुछ इनका कोई ऑडियो लेने की ज़रूरत नहीं थी, और शक्ल सूरत से खूबसूरत लड़की है तो खूबसूरत लग रही और पंजाबन लग रही, तो मैं बस बहुत है मेरे लिए. शुक्रिया. गुलजार साहब ना हमको जब उन्हें लगता था कि हमने अच्छा शॉट दिया तो एक टॉफी दिया करते थे, ये इनकी आदत एक टॉफी तो कभी कभी ना सबसे छुपा के मुझे देते थे. सब नए नए थे ना, हम सब नए थे, बट यू नो रॉकी एंड जिमी दे ऑल न्यू. सो कभी कभी मैं बोलती थी मुझे दो चाहिए, तो मुझे छुपा के ऐसे दो तीन दे देते थे सबसे. ये एक रवायत रही मेरी शूटिंग में, मेरे सेट पे हमेशा और बहुत अरसे तक रही कि भाई मैं आई एम इम्प्रेस विद शॉट में टॉफी ले लूँ. और इसमें मनमोहन जी ने जो कैमरा मैन हमारे, वो उनके शॉट देख के एक्चुअली वो टॉफी तो उन्हें दी मैंने, रहती कहाँ है ये टॉफली, किसके पास है ये, कहाँ से निकालते हैं. तो शाम को जब ये सब अपनी एक एक दो दो दिखाते थे या दो तीन जगह पे हुआ तो वो निकाल सके चार पाँच छः लग गए मुट्ठी भर के हो गए, वो पता नहीं वो कहाँ से ले लेते थे. लेकिन मन जी डिजर्विंग थी. मनमोहन जी जैसा कैमरा मैन कमाल था, उनके साथ काम करते हुए बहुत 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 लुत्फ आया.